अरे गाइस, आप स्टूडेंट हैं, आप अपने लाइफ में परेशान हैं, आप क्या करना चाहते हैं ये आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो देखिए हमारा ये वीडियो और पूरा वॉच कीजिए। मैं आपको पूरा एक हर तरीके से बताऊंगा कि अपना गोल कैसे सेट करें और आप अपने लाइफ में कैसे सक्सेसफुल एक इंसान बने। और हाँ गाइस, मेरी एक हॉबी है सिंगिंग करना, तो पहले मैं एक गाना गाना चाहता हूँ और गा लूँ, 2 सेकंड आप भी सुनिए, उसके बाद मैं बताता हूँ पूरी बात। बिहारा हूँ बाबा, बस तुझ पे भरोसा है, चमकूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है, मेरे मांझी बन जाना, मेरी नाव चला देना, मेरे मांझी बन जाना, मेरी नाव चला देना। हारा हूँ बाबा, बस तुझ पे भरोसा है, चमकूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। चले गाइस, आई होप आपको यह गाना अच्छा लगा। और मैंने क्यों सुनाया आपको, मैं एक दिन ट्रेन में सफर कर रहा था, फिर मुझको एक बंदा मिला और ऐसे गाते हुए जा रहा था। मेरी भी हॉबी है गाना गाना, गाना सभी को अच्छा लगता है, दुनिया में जितने भी इंसान है सभी को, इंसान अगर है तो म्यूजिक उसको पसंद जरूर होगा। हो सकता है वो रैप हो सकता है कोई और हो सकता है कुछ और हो, बट म्यूजिक क्यों अच्छा लगता है पता है गाइस? इसलिए कि दिमाग को वो चीज करना अच्छा लगता है जो चीज वो कर चुका है, बार बार रिपीट करना, कोई चीज बार बार रिपीट। गाने में ना ऐसे एक धुन होती है जो कि वो रिपीट होती है, हर चीज मतलब गाने के वर्ड पे मत जाओ, लोग गाना सुनते हैं ना यो 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 करके, उसमें क्या होता है ना केवल उसमें सिंगिंग जो लिरिक्स चलती है बैकग्राउंड में वो चीज ना बार बार रिपीट होती रहती है। इसलिए म्यूजिक हर किसी को अच्छा लगता है, ये एक साइंटिफिक रीजन है। तो ऐसे गाना गा रहा था, लेकिन आप लोग क्या करते हो ना उस गाने के वर्ड को जो है अपने ऊपर ले लेते हो और इमोशनल होकर बैठ जाते हो, भगवान मेरा कुछ करो। भगवान तभी करेगा जब आप कर्म करोगे। सो मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ कि अपनी गोल्स क्यों सेट करना चाहिए, क्यों इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस। ट्रेन में सफर करते हुए आपको पता रहता है कि हमको यहाँ से बैठना है, यहाँ जाना है, टारगेट क्लियर, इसलिए चले जाते हो आप बैठ करके। एक जर्नी है उसको पूरी करनी है, उसका एक फिक्स चीज है कि हमको यहाँ बैठना है, यहाँ बैठ करके यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, हर चीज टारगेट क्लियर है गाइस, समझो मेरी बात को। ओके, एक घर बनाना रहता है, आप उसको पहले से ही टारगेट कर लेते हो कि मेरा बेडरूम ये होगा, मेरा किचन ये होगा, मेरा ये चीज़ यहाँ पे होगा, हर चीज़ फिक्स रहता है। तो ऐसे अपने लाइफ की ना गोल जो है उसको टारगेट फिक्स करो, वरना क्या होगा आप सफर में निकल लिए, आपको पता ही नहीं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, आप भटकते रहो शाम को फिर वहीं पहुँचोगे। घर क्या है, बनवा डालो, फिर से तोड़वाओ, फिर से बनवाओ, बस। तो टारगेट आपको क्लियर रखना होगा, बिल्कुल बिल्कुल आपको अपना टारगेट क्लियर रखना होगा, तभी आप अपनी लाइफ को जो है अच्छे से और एक सक्सेसफुल इंसान बन पाएंगे, जब आपका टारगेट एकदम क्लियर होगा। सो गाइज, आपको अपना टारगेट कैसे चूज करना है, जो आपको करने में अच्छा लगता हो गाइज, जो अच्छा लगता है, बिल्कुल सही मैंने बोला। आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई कीजिए, बट जो आपको अच्छा लगता है अपना टारगेट क्लियर कीजिए, आपकी हॉबी क्या है उसको देखिए और आप अच्छे से उस पर वर्क कीजिए गाइज। पता है आपको मेरा भी हॉबी है वीडियोज बनाना, सिंगिंग करना, लोगों को सिखाना कुछ। तो पता है मैं वीडियो जो है 2019 बना रहा हूँ, आज चल रहा है 2023, कितने साल हो गए, 2 साल, ये 2 साल, वो 4 साल, 5वां साल चल रहा है गाइस, 5 साल से मैं वर्क कर रहा हूँ। भले से मुझे कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन गाइस मुझे क्या मिल रहा है, एक सुकून, सुकून। और मैं हर दिन कुछ बेटर करता हूँ, हर दिन कुछ अच्छा बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं अगर आपको पुराना वीडियो दिखाऊँ तो बहुत ही घटिया, बहुत ही बैड क्वालिटी, ऐसे खुद ही मन नहीं करता कि मैं इसको अपलोड करूँ, बट आज का इतना अच्छा है मैं खुद से अपलोड करता हूँ। और कोई कुछ भी बोले, अपने टारगेट को हमेशा फिक्स रख के, लोग कहेंगे अरे ये क्या कर रहा है भाई, मैं अभी 5 साल से वीडियो एडिट कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, मेरी हॉबी सही है, मुझे सुकून मिलता है ये करने में और मुझे भरोसा है अपने आप पर। भगवान तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, बट भगवान तभी करेंगे जब आप एक कुछ कर्म करोगे, और मैं करता हूँ, मुझे अपने आप पर भरोसा है, जो मेरी एनर्जी लगती है मुझे उस पर भरोसा है कि मैं एक दिन आगे जरूर बढ़ूंगा। तो आई होप आपको ये चीज़ पता लग गया होगा कि टारगेट फिक्स करना क्यों जरूरी है, अगर आप नहीं करोगे तो आप भटकते रहोगे। दूसरी बात गाइस, अगर आपके पास ऑप्शन है, लोग नौकरी करते हैं आगे कहते हैं हम बिजनेस करेंगे, भाई मैं एक बिजनेसफुल सक्सेसफुल इंसान बनूंगा, फिर ये सोचते हैं चलो ठीक है इतना पैसा लगाऊंगा, अगर दिक्कत हो जाएगी तो इसको छोड़ दूंगा, नौकरी कर लूंगा, या फिर ये सोचते हैं पहले नौकरी करता हूँ, 4 साल कमा लूंगा, उसके बाद बिजनेस करूंगा, या फिर ये सोचते हैं कोई कलाकार है कोई सिंगिंग, अभी थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं बाद में करेंगे। सो करने का मतलब ये है गाइस, अगर आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शंस, तो भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपका टारगेट क्लियर फिक्स्ड नहीं है। तो अगर फिक्स नहीं है तो आप आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकते, ये मेरा दावा है, आप लिख के ले लो गाइस। तो अपना टारगेट पहले क्लियर करें, उसके बाद उस पर वर्क करें, ये मत देखें आपको कुछ मिल रहा है ये नहीं मिल रहा है, बट ये देखें कि आप पिछले से कितना बेहतर कर रहे हैं और आपको कितना सुकून मिल रहा है, सुकून मिलना चाहिए गाइस। ओ जब आप कुछ करेंगे अच्छा तो मिलेगा जरूर, 100% श्योर गाइस। सो आई होप आपको यह चीज पता लग गया होगा
कि क्यों जरूरी है ये। अगर वीडियो अच्छा लगा और आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट प्लीज कर देना। फिर से मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर बाय बाय। और हाँ गाइस, मुस्कुराते रहो। मैंने कृष्ण भगवान से सीखा है मुस्कुराना। कृष्ण भगवान हमेशा मुस्कुराते थे, चाहे जैसी सिचुएशन हो मुस्कुराओ, फेक स्माइल। क्या होता है ना, दूसरे आपको समझ नहीं पाएंगे कि बंदक है कैसा यार, हमेशा हंसता रहता है, देखो कितनी भी टेंशन हो आप हंसो, फेक स्माइल। कृष्ण भगवान पूरी अपनी द्वारिका त्याग दी, उनकी मृत्यु हो गई, भगवान थे, शायद उनकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होती, बट वो एक प्रकृति का नियम है, आप लोग उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। कृष्ण भगवान कहने का मतलब यह है, मरते मरते तक मुस्कुराते रहे, बांसुरी बजाते रहे, पौने थे अपना अच्छे से लेते थे, आके तीर लगा, हंसते हंसते पूरी द्वारिका डूब गई, फिर भी बांसुरी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण चले गए परम धाम को। सो फेक स्माइल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट योर लाइफ। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, लाइक कर देना एंड शेयर जरूर करना। हो सकता है इस वीडियो से किसी और को कुछ अच्छा चीज़ मिल सके, जो भटक रहा है वो अपने लाइन पे आ सके। तो पहले अपना टारगेट क्लियर कीजिए, और कैसे क्लियर करना है, अगर ये वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। इसको भी मैं लेके आऊँगा कि अपनी हॉबी कैसे पहचाने और कैसे अच्छे से आगे वर्क कर सके उस पर दृढ़ निश्चय होकर के। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।